नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो आर्थिक परिदृश्य के ऊपर होगा। हम अक्टूबर 2020 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। उसमें हमने मैपिंग सेक्शन भी अच्छे से पढ़ा है और जो बिटवीन द लाइन्स चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर मैगजीन्स में नहीं मिलती है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम भी नहीं करते हैं, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। उन दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उनको से आप देखिएगा। मैगजीन को सिर्फ पढ़ करके, रीडिंग लगा करके और उसको पटक देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। उसके एक एक चीज़ को, कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम 10 मिनट किसी चीज़ को पढ़ने में लगा रहे हैं, किसी आर्टिकल को पढ़ने में लगा रहे हैं, तो कम से कम एक काम की चीज़ तो उसमें से निकलनी चाहिए, तभी हमारे जो समय है वो सार्थक होता है। तो वही कोशिश मैंने की है, तो आप ज़रूर से उसको देखिएगा। आपको अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर से कमेंट में भी बताइएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज का हमारा जो है वो है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में पहली जो खबर है वो है सरोद पोर्ट्स का शुभारंभ। सरोद का फुल फॉर्म देखिए क्या है यहाँ पे, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट। जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर, यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, समुद्री बंदरगाह होते हैं, वहाँ पर मध्यस्थों के माध्यम से जो भी विवाद हो रहा है वहाँ पर, जो भी आदान प्रदान सामान सेवाओं का जो होता है, उसमें जो भी विवाद होता है उसको वहाँ के मध्यस्थों के माध्यम से निपटाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो अब देखिए, इसको केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका जो है वर्चुअल समारोह के माध्यम से सरोद पोर्ट्स का जो है शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट्स और शिपिंग क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो समझ में आ गया होगा, उसमें सरोद का मतलब यही है कि जो पोर्ट्स यानी कि जो बंदरगाहों पे जो विवाद निपटान है उसको ये जो है हल करेगा। नेक्स्ट है, विश्व की शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों में भारतीय कंपनी अमूल को शामिल किया गया है। अब ये रैंकिंग किसने दी है, तो देखिए रैबोबैंक नाम की एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। कहाँ की है ये, तो ये डेनमार्क की है। इसने ये रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में हमारे भारत की जो अमूल कंपनी है, जो आप जानते हैं जिसका फुल फॉर्म है गुजरात की जो कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है अमूल, इसको जो है 16th पोजीशन इसके अंदर मिली है। तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है ये। और फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है, तो देखिए नेस्ले की, जिसके आप चॉकलेट्स खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, जो नेस्ले है उसको फर्स्ट इसमें पोजीशन मिली है। नेस्ले कहाँ की है, तो नेस्ले स्विट्ज़रलैंड की है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि हमारे भारत में जो है विश्व के दुग्ध उत्पादन का, मिल्क प्रोडक्शन का 21% हमारे भारत में होता है। अब ये जो ऐसे आंकड़े होते हैं ना, 21% भारत में इतना उत्पादन होता है, भारत इसमें शीर्ष स्थान पर है, ये ऐसे काम नहीं आते डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली आपके आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में काम आते हैं। तो ये फैक्ट्स वहाँ नोट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वर्ष 2019 के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना पर राज्यों की रैंकिंग। अब ये जो रैंकिंग है ये आप जानते होंगे कि हमारा एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो उस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है उसके आधार पर हमारी जो केंद्र सरकार है, उसमें जो हमारा वित्त मंत्रालय है जिसके अभी हेड कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने एक रैंकिंग जारी की है जिसका नाम है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ये हर बार इन्होंने जारी किया, यानी कि चौथा संस्करण है इसका 2020 का। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया है कि भाई कौन कौन से राज्य बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी हो रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में वो लोग सुधार कर रहे हैं और कहाँ कहाँ अपेक्षा है कि वहाँ पर सुधार किया जा सके, उस आधार पर रैंकिंग दी गई है। तो ये रैंकिंग आप देखिए, अच्छा ये रैंकिंग जो होती है ना कि भाई कहाँ पर बिजनेस करना ज़्यादा सुगम है, तो ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि जो घरेलू निवेशक होते हैं और जो विदेशी निवेशक होते हैं, उन दोनों के लिए काम की होती है। रैंकिंग किस लिए दी जाती है भाई, वैश्विक रूप से अगर कोई रैंकिंग मिली हुई है तो उससे विश्व के जो भी निवेशक हैं उनको सहायता मिलती है कि भारत की रैंकिंग अच्छे पायदान पर आ रही है तो हमें भारत में निवेश करना चाहिए। तो इसीलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती है उसका भी यही महत्व है कि उसका फ़ायदा क्या है, ऐसी रिपोर्ट निकालने का क्या फ़ायदा है। इस रिपोर्ट को निकालने का यही फ़ायदा है कि निवेशकों को आकर्षित करना, निवेशक यही तो देखेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आप यही तो देखोगे भाई रिलायंस पावर का शेयर आज कम है, चलो इसमें निवेश किया जाए, या टाटा मोटर्स का शेयर ज़्यादा है तो उसमें निवेश किया जाए, तो ऐसा ही तो करोगे आप लोग। तो यही चीज़ उन लोगों के लिए भी होती है। जो घरेलू निवेशक होते हैं उनके लिए स्टेट वाइज रैंकिंग होती है कि कौन से राज्य में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है, सुलभ है और वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये रैंकिंग इसीलिए है।
अब देखिए इस रैंकिंग के अंदर जो फर्स्ट स्थान पाया है वो आंध्र प्रदेश ने पाया है, हमारे राजस्थान का 8वां इसमें रैंक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेस्ट परफॉर्मर्स जो हैं उसमें आप देखिए उत्तर के अंदर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, पूर्व के क्षेत्र में झारखंड, दक्षिण के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली, उत्तर पूर्व के अंदर असम। उत्तर पूर्व में तो देखिए सबसे बड़ा राज्य भी असम ही है और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें क्योंकि असम से ही सारे राज्य वहाँ निकले हुए हैं तो असम की जो इकोनॉमी है वो वैसे भी स्ट्रांग है। अब देखिए उत्तर प्रदेश 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 10 रैंक का सुधार उसने किया है, 2018 में वो 12वीं रैंक पर था। बाकी इसमें इतनी कोई खास बात है नहीं तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल स्टार्टअप पर एक संसदीय समिति के ऊपर है। देखिए इस संसदीय समिति जो है जयंत सिन्हा जी के शीर्ष क्या कहते हैं उसको चेयरमैनशिप पे बनी थी। उन्होंने कहा कि भाई कोविड-19 के बाद में जो भी स्लो डाउन आया है हमारी इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है उसको और तेज़ करने के लिए हमको जो है स्टार्टअप्स के अंदर जो है निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए, स्टार्टअप की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा होगा? सिंपल सी बात है, सरकार जितने भी सरकारी योजनाएँ हैं उनको चलाती है तो उनको भी सरकार ऐसी महामारी के समय में कम नहीं कर सकती है। अब सरकार के जो फंड्स हैं वो देखिए डाइवर्ट होते हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर। अब रोज़गार अगर चाहें तो सरकारी रोज़गार बहुत मुश्किल है तो वो सोचते हैं कि स्टार्टअप जो होता है उसी में ही बढ़ावा दिया जाए जिससे कि स्टार्टअप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। और क्योंकि एक स्टार्टअप जब लगता है तो उसमें कई लोगों को रोज़गार मिलता है और एक जब सरकारी नौकरी आती है तो उसमें तो वैकेंसी के हिसाब से ही पद आएंगे लेकिन उसमें हर व्यक्ति को स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो स्टार्टअप में हर व्यक्ति को जॉब मिलती है तो इसीलिए स्टार्टअप्स पे इतना जोर है। अब यहाँ देखिए काम की बात क्या है, यहाँ एक तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है। देखिए ऐसे स्टार्टअप्स जो शुरू होने के बाद में अब उनकी जो इनकम है वो $1 बिलियन यानी कि $1 अरब तक हो चुकी है, यानी कि वो $1 अरब की कंपनी बन चुकी है, उसको हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आता है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, कहाँ गया, हाँ इसके अनुसार यूनिकॉर्न स्टार्टअप अर्थात ऐसे स्टार्टअप जो वर्तमान में $1 अरब से अधिक कंपनी बना चुके हैं उसमें प्रारंभिक निवेश इनका ज़्यादा है और ये रहा, हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है इसको 2 वर्ष के लिए समाप्त करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? देखिए कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली कैपिटल एसेट्स होते हैं हमारे लैंड है, बिल्डिंग है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, मतलब जिसका आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जो ज़मीन आपको पुश्तैनी मिली है जैसे पिता से पुत्र को मिली है तो वो आपके टैक्स के दायरे में नहीं आती क्योंकि वहाँ तो आप ट्रांसफ़र ऑफ राइट हुआ है ना, वो सेल और परचेज नहीं हुआ। तो जहाँ पर हम सेल ऑफ परचेज ऐसी चीज़ों का करते हैं और जहाँ पर वो चीज़ हमारे पास 1 साल से ज़्यादा समय के लिए है तो उसके ऊपर कई सारे स्लैब हैं जैसे 0%, 5%, तो उनके हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगता है। और जो हमारे शेयर्स हैं, इक्विटी है, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका एक दायरा है, पर्टिकुलर दायरा है कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके भी स्लैब्स बने हुए हैं। अगर आप इतनी इनकम उनसे जनरेट कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ ये लोग कहते हैं कि मतलब सिफारिश हुई है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको भी जो है 2 साल के लिए समाप्त कर देना चाहिए ताकि कोविड-19 के बाद में जो स्टार्टअप्स हैं वो बंद ना हो जाएँ, वो और ग्रो करें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक के ऊपर। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है इसका मेन मकसद क्या है? पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको नीति आयोग ने जो है प्रिपेयर किया है, हम एक्सपोर्ट्स के लिए कितना प्रिपेयर हैं ये उससे रिलेटेड चीज़ है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, इस ईपीआई का उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना। नियामकीय आप समझते हैं रेगुलेटरी, कोई भी बॉडी होती है तो उसके ऊपर रेगुलेशन ज़रूरी होता है, जैसे LIC है तो LIC के लिए रेगुलेटेड बॉडी है, ठीक है, बैंक्स है तो बैंकिंग के लिए RBI एक रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है। तो इसी तरीके से जो है इनके लिए भी ये बात कही गई है। कितने स्तंभ हैं और कितने उपस्तंभ हैं ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप रैंकिंग भी देखना चाहें तो ऑप्शनल है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो तटीय राज्य हैं वो इसमें अग्रणी हैं, तो गुजरात टॉप पे है, राजस्थान को देखें तो 4th पोजीशन पे है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में, और उसके बाद में अगर आप देखना चाहें तो निम्नतर में जो आ रहे हैं श्रेणीवार जो शीर्ष टॉप के राज्य हैं वो आप देख लें, ये कोस्टल स्टेट्स ही हैं, कोस्टल यानी कि तटीय राज्य जो हैं हमारे वो टॉप पे हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता है, जैसे गुजरात है,
महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, हिमालय स्टेट में उत्तराखंड है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। इतनी रैंकिंग वैसे भी याद नहीं होती, राजस्थान का याद रखिएगा, टॉप कौन है उसको याद रखिएगा, बात खत्म। आगे चलते हैं, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 26 स्थान नीचे गिरा। तो अब देखिए जो इसके अंदर है, यानी कि पहले तो हम ये देखेंगे कि जारी करने वाली संस्था क्या है। अच्छा, एक काम आप कीजिएगा, जब भी आपकी कोई नोट्स कॉपी हो या कुछ ऐसा हो तो उसमें आप जितने भी ये इंडेक्स आते हैं, सूचकांक आते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक तो मैगजीन में दिए हुए हैं तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF, इनके द्वारा निकाले गए जो सूचकांक होते हैं वो वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनको आप एक अलग ही पेज में या फिर कहीं पर भी आप नोट डाउन कर लिए कीजिए। देखिए वर्ल्ड जो सॉरी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, ये किसने जारी किया है? तो सबसे पहली चीज़, ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, ये इंस्टीट्यूट कैनेडा का है। इसमें भारत का स्थान है 105वां, और इससे पहले हमारा स्थान था 79th। ठीक है, 2020 में हमारा स्थान इसमें गिर गया है। अब इस सूचकांक में कई सारी चीज़ों को ये लोग नोट डाउन करते हैं, 10 चीज़ें हैं, 10ों की 10 याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, उस रिपोर्ट के जो पैमाने हैं यानी पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर 2018 के अंदर RS मेंस में क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जो वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी जो रिपोर्टें होती है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो है, इनकी रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए इसमें जो है क्या क्या चीज़ें ये लोग संज्ञान में लेते हैं। देखिए, कानूनी प्रणाली के मामले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम, व्यवसाय के विनियमन, और ये सारी चीज़ों को देख करके ये लोग जो है रैंकिंग देते हैं, और इन रैंकिंग के आधार पर मैंने बता ही दिया आपको। और पहला टॉप स्थान किसका है, अभी हांगकांग को इसमें दिया गया है। टॉप पे कौन है? हांगकांग है। और भारत का स्थान कौन सा है? 105। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, फुटवेयर एवं चमड़ा उद्योग के विकास के लिए विकास परिषद की स्थापना। फुटवेयर और चमड़ा उद्योग के विकास के लिए एक जो है डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री, जिसको DCFLI जो है कहा गया है, उसकी स्थापना जो है की गई है। और इससे क्या होगा, आपको पता ही है, इसी के जो है उसको विश्व स्तरीय बनाना, डिज़ाइनिंग को और अच्छा से करना, विनिर्माण की प्रक्रिया, विनिर्माण समझते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग, उसको बढ़ाना, तो यही है, ये सारी चीज़ें इसके लिए इसको बनाया गया है। इसके लिए कोई विशेष ये भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटा मोटी सी बात है, याद करना चाहें तो कर लीजिए, बल्कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है कि 24 इसमें सदस्य हैं। राजकुमार गुप्ता को इसका जो है प्रबंधन निदेशक जो है उसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ। अब देखिए डायरेक्टली तो आपसे कोई नहीं पूछेगा डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं क्या हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता, लेकिन हाँ मेंस में ज़रूर पूछा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए क्या क्या जो कार्य योजनाएं हैं वो सरकार लेकर के आई है। तो देखिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं जो हैं, ये है क्या, नाम से ही सिद्ध होता है कि भाई घर पर आपको जो है सब बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा। आजकल बैठे बैठे सब काम करना चाहते हैं लोग, तो वैसे ही उसको सुधार करने के लिए जो है कि भाई आपको ऐप के माध्यम से और कोई कॉल सेंटर के माध्यम से जो है आपकी जितने भी असुविधाएं हैं, जितने भी आपके बैंक से संबंधित कार्य हैं, वो घर बैठे बैठे हो जाए, यही इसका काम है। तो वर्चुअल रूप से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसका जो है उद्घाटन कर दिया है। और एक जो है यहाँ पर एक ईज़ बैंकिंग सुधार सूचकांक है, जिसको हम कहते हैं ईज़ रिफॉर्म इंडेक्स। ठीक है, तो ये 2018 के अंदर इन्होंने जारी किया था, और अभी इसका दूसरा संस्करण इन्होंने जारी किया है। इसका मेन मकसद यही है कि भाई बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर उनको रैंक दें, कौन सा बैंक बढ़िया काम कर रहा है, स्मार्ट बैंकिंग कौन कर रहा है। स्मार्ट बैंकिंग का कहने का क्या मतलब, कि भाई हमको ग्राहकों को संतुष्टि कौन प्रदान कर रहा है, कितने ग्राहक जो हैं उनके पास में हैं, और कितने जो हैं अच्छी क्रेडिट वाले हैं, और क्या क्या सुविधाएं बैंक दे रहा है, तो उसके आधार पर ये लोग उसको ये पैमाना है इनका। तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सब इसमें शीर्ष है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जो हैं इसके अंदर सुधार करने वाले जो हैं बैंक बने हुए हैं। तो ये इसका मेन मकसद है। और आप जानते हैं कि ये सरकारी बैंकों के लिए हैं, जो ऑलरेडी जो बड़ी बैंक्स हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं वो तो ऑलरेडी ऐसे काम करती ही हैं। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एकदम 5-स्टार होटल जैसा पता चलता है कि काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सरकारी बैंकों के लिए ये जो है ये कार्य योजना है। अब देखिए 3 श्रम संहिताएं जो है, जिसको कहेंगे लेबर कोड्स जो हैं, उनको लोकसभा में पारित किया गया है। क्या क्या हैं वो तीनों? पहली तो है आपकी
सामाजिक सुरक्षा संहिता जिसको कहते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंश्योरेंस देने के लिए इसको जो है जारी किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिंजेंट नहीं है लेबर्स को जो है उनका हक दिलाने के लिए। इस तरीके के लॉज जो हैं, मतलब आप जानते हैं कि मज़दूरों की और किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये हमें भी दिखता है। तो इसके लिए जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लाया गया है। अब इसकी जो सुविधा है वो 740 जिलों के अंदर यानी सारे जिलों के अंदर लगभग कर दी गई है। जोखिमकारी जो क्षेत्र हैं उसमें कार्यरत जो भी प्रतिष्ठान हैं अनिवार्य रूप से अब जो है इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से संबद्ध किए जाएंगे, इनको जोड़ दिया जाएगा, चाहे इनमें केवल एक ही कामगार क्यों ना हो। पहले ऐसा नहीं था कि भाई पहले कम कामगार होते थे तो उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं मिलती थी, लेकिन अब भले एक ही क्यों ना हो उसको ये काम दिया जाएगा। कौन सा क्षेत्र है? लेकिन जोखिमकारी क्षेत्र, रिस्क वाले। ईएसआईसी का सदस्य बनने का विकल्प 10 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को भी अब दिया जा रहा है, ये हमने पढ़ लिया। EPFO यानी कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की कवरेज 20 कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। इसके साथ ही 20 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को भी EPFO में शामिल होने का विकल्प दिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का सृजन किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो कि इनकम टैक्स अदा नहीं करते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जिनका डायरेक्टली कोई योगदान नहीं है। भाई इनकम टैक्स देता है उसी को तो मानते हैं ना कि भाई हाँ भाई ये हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जो ये जैसे ठेला चलाते हैं, चाय बेचते हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्टली जो रिक्शा चलाते हैं, इनडायरेक्टली जो है ये हमारी इकोनॉमी को जनरेट तो कर रहे हैं लेकिन इतनी इनकम नहीं है कि इकोनॉमी में काउंट हो सके। तो ये होता है असंगठित क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस जो है उसको तैयार करने के उद्देश्य से सभी कामगारों का जो है पंजीकरण जो है स्वप्रमाणन जाते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा। दूसरा जो लेबर कोड आया है वो है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दिशा संहिता 2020। इसमें क्या कहा गया है? नियोक्ता द्वारा एक निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले कामगारों के लिए वर्ष में एक बार निशुल्क चिकित्सा जांच का प्रावधान किया गया है। पहली बार कामगारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार भी दिया गया है। सीनियर कामगारों को श्रव्य दृश्य कामगार के रूप में नामित किया गया है ताकि अधिक से अधिक कामगार OSH संहिता के तहत कवर हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिक संबंध संहिता, ये औद्योग से रिलेटेड है। इसके जो हैं, अब देखिए इसमें क्या है कि औद्योगिक अधिकरण में एक सदस्य के बजाय दो सदस्यों का प्रावधान, समझौते के स्तर पर विवाद के न सुलझने की स्थिति में मामले को सीधे अधिकरण में ले जाने का प्रावधान, नियतकालिक रोजगार की मान्यता के बाद कामगारों को ठेका श्रम के बजाय नियतकालिक रोजगार का विकल्प प्राप्त होगा। भाई ठेके के अनुसार जो क्या होता है उसको कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसको फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, फिक्स जो है कार्य उसको मिलेगा। और ये जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लीजिएगा, 20 दिनों के अंदर एक अवकाश उसको मिलेगा, दुर्घटना के कारण अगर उसकी मृत्यु हो जाए या चोट लग जाए तो उसको 50% जो है राशि, धनराशि जो है उसको दी जाएगी। महिला कामगारों को पुरुषों के बराबर वेतन देना, व्यावसायिक सेवा में IT और सेवा क्षेत्र में कामगारों के सम्मिलित होने की संभावना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। और श्रम न्यायाधिकरण जो है उसके तंत्र को भी इफेक्टिव करना। नेक्स्ट है रबी फसलों में MSP में वृद्धि। MSP आप जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है किसानों में, तकरीबन 11 फसलों पर दी जाती है जिससे कि किसानों का शोषण ना हो सके, मंडी में जब वो बेचने जाएं तो इससे कम कीमत पर कोई भी आढ़ती है उससे ये फसल ना खरीद सके, इसीलिए ये MSP लाई जाती है। तो MSP में जो रबी की फसलें हैं, जो अभी सर्दियों की फसल आएगी जैसे कि गेहूं है, चना है, इन सब के अंदर जो है ये जो है इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, ये 6 फसलों पर अभी इसको बढ़ाने की स्वीकृति सरकार ने दी है। नेक्स्ट हमारे लिए है, अब देखिए एशियाई विकास आउटलुक 2020। ये जो रिपोर्ट है ये एशियाई विकास आउटलुक जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है जारी की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लीजिए। 1966 में इसको बनाया गया है। एशिया के करीबन मेरे हिसाब से इसमें 68 देश हैं, इसको चेक कर लीजिएगा, 68 या 69 इसमें देश हैं, और 49 देश जो एशिया के हैं इसके अंदर। और एशिया में भी सबसे ज़्यादा इसमें शेयर होल्डिंग किसकी है तो हम देखेंगे जापान और USA की, और उसके बाद चाइना की, इनकी शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है इस बैंक के अंदर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि 2019 का जो अभी पेपर हुआ था
यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, उसके अंदर ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किस बैंक, इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में किस देश की जो शेयर होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसमें चाइना शायद ऑप्शन था, तो चाइना इज द राइट ऑप्शन। इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है आई थिंक 6.3% के करीब है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, हालांकि यही इसका आंसर होना चाहिए। अब देखिए ये क्या कहता है कि जो आपका एशियाई विकास बैंक है उसने क्या जो है अनुमान लगाया है। अभी आप जानते हैं कोविड के चक्कर में सबकी जीडीपी नेगेटिव चली गई है, तो 0.7% जीडीपी वृद्धि का अनुमान व्यक्त इसने किया है, यानी कि पहली नकारात्मक वृद्धि दर है एशिया के लिए जो इस रिपोर्ट में बताई गई है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो है उसका शुभारंभ किया गया है। तो दक्षिण भारत में किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से और दिल्ली के आदर्श नगर के मध्य जो है इसको शुरू किया गया है। तो ये हमारे देश की सेकंड जो है किसान रेल है। पहली किसान रेल कौन सी थी फिर, अगर ये सेकेंड है तो पहली थी आपकी, देखिए जो आपकी देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए जो है इसको शुरू किया गया था, ये भी 2020 में शुरू की गई थी। किसान रेलों के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, पेरिशेबल का मतलब जल्दी ख़त्म होने वाले, जल्दी नष्ट होने वाले, जैसे कि टोमेटो है, पोटैटो है, आपके वेजिटेबल्स हैं, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नेक्स्ट है 22 बांस क्लस्टर, बांस जानते हैं आप, बैम्बू, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री जो है कौन, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, उन्होंने 22 जो बैम्बू क्लस्टर्स हैं उनकी जो है घोषणा की है। तो जिन 8 राज्यों में जो ये बैम्बू क्लस्टर्स की शुरुआत की गई है उनमें मध्य प्रदेश, आसाम, कर्नाटका, नागालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड व महाराष्ट्र शामिल हैं। इस अवसर पर जो नरेंद्र सिंह तोमर है ने राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन के लोगों का भी विमोचन जो है इसमें किया है। नेक्स्ट है 26 क्षेत्रों को मिलेगा ऋण पुनर्गठन योजना का लाभ, ये कोई काम का नहीं है, इसको लोन मॉरेटोरियम भी कहते हैं। तो ये COVID-19 के चक्कर में आया था इसको, ये जो ऋण पुनर्गठन योजना है इस पर थोड़ी एक समिति का नाम ध्यान रखिएगा, KV कामत समिति, बाकी इतना कुछ नहीं है, ये RBI ने गठित की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में, हाँ ये जो है ये है कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित कृषि विभाग ने NSE IT के साथ मिलकर ई नीलामी पोर्टल जो उत्पादकों और क्रेताओं को ई ट्रेडिंग की सहायता जो है वो प्रदान करेगा। इसमें मैंने ये इसलिए बताया आपको, काम की चीज़ ये है कि आप ये देखिएगा, आज नोट डाउन कीजिएगा कि ये जो GI टैग होता है यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स का टैग होता है, ये जम्मू कश्मीर में कितनी चीज़ों को दिया गया है, ये इस बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर की एक चाय है उसको भी ये जो है दिया गया है GI टैग। पश्मीना शॉल जो है वहाँ की, पश्मीना वूल जिसको हम कहते हैं ऊन, उसको पहले से ही दिया जा चुका है। कश्मीर की जो केसर है उसको भी दिया जा चुका है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि GI टैग मिला है, तो राजस्थान की और आज जम्मू कश्मीर की जो चीज़ें हैं इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ये आपके आगे काम आएंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो कुछ विशेष काम का है नहीं। हाँ, GDP आप जानते ही हैं, अभी हमारी वृद्धि दर 23.9% की गिरावट जो है उसमें दर्ज की गई थी, बहुत सारे मीम्स भी बने थे इसके ऊपर। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स पे। देखिए, विमानन कंपनी एयरबस ने पहले शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो एमिशन वाणिज्यिक विमान यानी कॉमर्शियल विमान को क्या कहते हैं, फ्लाइट के लिए 3 कॉन्सेप्ट को किस कोड के तहत 2020 में लॉन्च किया है, तो वो कोड है 0E। नेक्स्ट है, जो रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि करने के लिए क्या निर्णय से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो आप ये देखिए इसमें जो है ये जो है एकदम फैक्चुअल है कि चने के MSP में 75 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, तो इतनी वृद्धि नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा भारत में विशेषतः है किस देश के निवेश पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया के लिए प्रधानता 2017 आदेश में संशोधन किया गया है। अभी हमारा चीन से ही टकराव है, तो चीन के परिप्रेक्ष्य में ये किया गया है। ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक सितंबर 2020 को जारी अनुमान के अनुसार एशियाई अर्थव्यवस्था किस दशक के बाद न्यूनतम संकुचन की ओर बढ़ रही है, यानी कि 1960 के बाद में हमने आज तक का सबसे माइनस में जो है हमारी GDP को देखा है। ठीक है, अप्रैल जून 2020 के तिमाही में सर्वाधिक संख्या में धोखाधड़ी के मामले में किस सार्वजनिक बैंक के मामले सामने आए हैं, तो वो है सार्वजनिक बैंक है तो एक ही बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो ये जो है आपका RBI ने एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है,
हालांकि ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो इसका सही आंसर है सचिन बाधवानी की अध्यक्षता वाली समिति ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च करने की सिफारिश की। ये व्यक्ति दूसरे हैं कोई। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर 2020 को यह घोषणा की के अनुसार निम्न में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया जाएगा। तो ये सारे के सारे शामिल होंगे गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC और BPCL। नेक्स्ट है हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में कितने बांस समूहों का, अभी हमने पढ़ा बैम्बू क्लस्टर्स, तो 22 बैम्बू क्लस्टर्स जो हैं उनको शामिल किया गया है। केवी कामत के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति द्वारा 2020 को RBI को सौंपी गई रिपोर्ट में ऋण पुनर्गठन, जिसको हम कहते हैं लोन मोरेटोरियम जो है, के लिए कितने क्षेत्रों की पहचान की गई है, तो वह 26 क्षेत्रों की। MSME मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में स्वीकृत खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के तहत 50 करोड़ की लागत से कितने MPURTE क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। तो इसका आंसर है आप ए 10। नेक्स्ट है, किस राज्य में 3 सितंबर 2020 को नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी मिली गई है। 2020-25 के लिए लागू यह नीति $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के में राज्य को अपना योगदान बढ़ाने में सहयोग करेगी। तो यह है कर्नाटका ने इस नीति को अपनाया है, इसको छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 को दिए गए अपने निर्णय में टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कब तक का समय दिया, तो 10 वर्ष का इन्होंने समय दिया है। एग्रीओटा नामक ई मार्केट प्लेस 2020 में लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया, किस देश ने, किसानों व देश के कृषि उद्योगों को जोड़ने के लिए इस एग्रीओटा को जारी किया, तो वो है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है अभी, कौन सी वैश्विक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो 105वीं है। तो ये तो हमने पढ़ा था, तो ये हो गए इसके आंसर्स। नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो इसका और बनेगा, जिसमें कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रादेशिक परिदृश्य की और जो भी स्पोर्ट्स और पुरस्कार वगैरह जो भी आए हैं, अपॉइंटमेंट्स आए हैं, उनसे रिलेटेड सारी न्यूज़ को कवर कर देंगे। 4 वीडियोज़ में आपके पूरी क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो गई है, और जो शुरू के 2 पार्ट्स हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें जाकर के उसको देखिएगा। और जो है आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर जो भी मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स के PDF हैं, जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए उसके PDF हैं, कुछ अच्छे नोट्स हैं उनके PDF हैं, वो सारे मैंने वहाँ शेयर किए हैं, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो Study4RS करके है, वहाँ जाकर के आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन सबको आप जो है वहाँ से जाकर देखिए, और इस मैगज़ीन को ढंग से पढ़िए, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और न्यूज़पेपर का विकल्प तो हालांकि ये नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।